Assalamualaikum दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन्स और इनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर्स और इनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर्स को वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, वीडियो डिस्प्ले बोर्ड और ग्राफिक अडैप्टर भी कहा जाता है। दोस्तों ये तमाम अलग अलग नाम एक ही काम करते हैं, यानी जो भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं वो डिस्प्ले कहलाता है और उस डिस्प्ले को कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर के जरिए बनाया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा हार्डवेयर और सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद सीपीयू और मॉनिटर के दरमियान काम करता है। इसको कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ जोड़ा जाता है ताकि सीपीयू से आने वाली तस्वीरों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाया जा सके। दोस्तों 1981 में IBM ने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था जो कि मोनोक्रोम डिस्प्ले अडैप्टर्स का इस्तेमाल करता था, जिसके अंदर वो स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक और वाइट टेक्स्ट को दिखा सकता था। लेकिन आज के मॉडर्न डिस्प्ले अडैप्टर्स के जरिए ना सिर्फ स्क्रीन पर लाखों कलर्स को दिखाया जा सकता है बल्कि एनिमेटेड मूवीज, 3D वीडियो गेम्स और इसके अलावा भी तरह तरह की ग्राफिक्स को मॉडर्न डिस्प्ले अडैप्टर्स के जरिए स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर्स किसी भी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर की रेजोल्यूशन, उसकी स्पीड, उसके अंदर मौजूद कलर्स और बिट डेप्थ का तायुन करते हैं। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। रेजोल्यूशन स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स की तादाद को रेजोल्यूशन कहते हैं। जितने ज्यादा एक स्क्रीन पर पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी रेजोल्यूशन होगी और उतनी ही ज्यादा स्क्रीन साफ और शार्प नजर आएगी। और अगर स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स की तादाद कम है तो उसकी रेजोल्यूशन भी कम होगी और उतनी ही ज्यादा स्क्रीन फटी फटी और उसके ऊपर मौजूद पिक्सल्स अलग अलग नजर आ रहे होंगे। दोस्तों रेजोल्यूशन को बहुत डिटेल में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। आइए स्पीड की तरफ चलते हैं। सीपीयू से आने वाली तस्वीरों को कितनी तेजी के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाना है इसका तायुन भी वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर्स के साथ किया जाता है। दोस्तों इसके बाद है बिट डेप्थ। बिट डेप्थ को कलर डेप्थ भी कहा जाता है। बिट डेप्थ में जो पहला वर्ड है वो है बिट। आइए हम जानते हैं कि बिट क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर काम करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम्स ऐसा नंबर सिस्टम होता है जो कि 1 और 0s पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों जिस तरीके से कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की दो स्टेट्स होती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस जिसको हम ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस जिसको हम ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम्स में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस यानी उसके होने को 1 से रिप्रेजेंट कराया जाता है और उसकी एब्सेंस यानी उसके ना होने को 0 से रिप्रेजेंट कराया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम डेटा, चाहे वो म्यूजिक हो, तस्वीरें हो, फाइल्स हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, इन तमाम चीजों को कंप्यूटर के अंदर 1 और 0s की शक्ल में महफूज किया जाता है। इस तरीके से वजन को नापने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो ग्राम कहलाता है। बिल्कुल इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर डेटा को नापने के लिए जो सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट होता है वो बिट कहलाता है। दोस्तों बिट बाइनरी नंबर सिस्टम्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके अंदर आप करंट की किसी एक स्टेट को स्टोर करा सकते हैं, यानी उसकी प्रेजेंस को या तो उसकी एब्सेंस को। दोस्तों जैसे जैसे डेटा की तादाद बढ़ती रहती है ऐसे ही ऐसे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट से भी ज्यादा की डेटा को स्टोर कर सकता है। एक बिट बहुत सारी बिट्स के जरिए बाइट बनता है और बहुत सारी बाइट से किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट बनता है। दोस्तों ये था बिट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। आइए बिट टैप के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद तमाम तस्वीरें छोटे छोटे डॉट्स यानी पिक्सल्स से मिलकर बनती हैं और पिक्सल का काम होता है स्क्रीन पर मौजूद कलर की इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, यानी कौन सा कलर कितनी शिद्दत
यानी ब्राइटनेस के साथ स्क्रीन पर नजर आएगा उसकी इंफॉर्मेशन को पिक्सल अपने अंदर महफूज करता है। दोस्तों हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन वन और जीरोस के फॉर्म में होती है, बिल्कुल इसी तरह पिक्सल भी अपने अंदर मौजूद कलर्स की इंफॉर्मेशन को वन और जीरो के यूनिक बाइनरी कोड की फॉर्म में स्टोर करता है। यूनिक इसलिए ताकि हर एक अलग कलर के लिए एक नया बाइनरी कोड मिल सके। और एक पिक्सल कितने बिट्स पर मुश्तमिल होगा इसको बिट डेप्थ कहते हैं। दोस्तों एक पिक्सल की बिट डेप्थ क्या होगी इसका तायुन आपका वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर करता है। बिट डेप्थ को मालूम करने का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। दोस्तों 2 बाइनरी नंबर सिस्टम्स का है, जिस तरीके से हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम्स पर काम करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम्स ऐसे नंबर सिस्टम्स होते हैं जो कि 0 से 9 तक के डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनसे बनने वाले तमाम नंबर्स 0 से 9 तक के डिजिट्स पर ही मुश्तमिल होंगे। दोस्तों 0 से 9 यानी 10 नंबर्स बनते हैं, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम्स को बेस 10 से रिप्रेजेंट कराया जाता है। बिल्कुल इस तरीके से बाइनरी नंबर्स के अंदर बाइनरी नंबर्स 0 और 1 यानी दो नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं और बाइनरी नंबर्स के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स 0 और 1 से मिलकर बनते हैं। तो इसी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम्स को बेस 2 से रिप्रेजेंट कराया जाता है और नंबर ऑफ बिट्स ये बताती है कि आपका डेटा कितने बिट्स पर मुश्तमिल होगा। दोस्तों सबसे पहले मोनोक्रोम डिस्प्ले अडैप्टर आया जो के कलर्स की इंफॉर्मेशन को पिक्सल में स्टोर करने के लिए एक बिट का इस्तेमाल करता था। अगर हम उस पिक्सल की बिट डेप्थ मालूम करना चाहें तो 2 की पावर 1 यानी दो कलर्स की को एक वक्त में स्क्रीन पर दिखा सकता था जो कि यूनिक बाइनरी कोड यानी 0 और 1 पर मुश्तमिल थे। 1 बिट के वीडियो अडैप्टर्स कुछ इस तरीके की तस्वीर को स्क्रीन पर दिखाते थे। इसके बाद IBM ने पहला डिस्प्ले अडैप्टर बनाया जो कि 2 बिट्स पर मुश्तमिल था। 2 बिट्स यानी 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 कलर्स यानी ये एक वक्त में 4 अलग अलग कलर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा सकता था, जिससे दिखने वाली तस्वीरें कुछ इस तरीके से दिखती थी। अगर आपका डिस्प्ले अडैप्टर 4 बिट का है, 4 बिट यानी 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 यानी एक वक्त में ये 16 कलर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा सकता था जो कि 4 0 और 4 1 के यूनिक बाइनरी कोड पर मुश्तमिल होते थे। इनसे दिखने वाली तस्वीरें कुछ इस तरीके से कलरफुल से दिखती थी। इसके बाद अगर आपका डिस्प्ले अडैप्टर 8 बिट का है, 8 बिट यानी 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256 कलर्स यानी ये एक वक्त में 256 कलर्स को स्क्रीन पर दिखा सकता है जो कि 8 जीरोस और 8 वन्स के बाइनरी कोड्स पर मुश्तमिल होंगे और इनसे दिखने वाली तस्वीरें निहायत ही साफ और कलरफुल दिखती हैं। दोस्तों इस तरीके से RGB पिक्सल होता है यानी एक पिक्सल 3 बेसिक कलर पर मुश्तमिल होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर रेड के 256 कलर्स और ग्रीन के 256 कलर्स और ब्लू के 256 कलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए यानी इनसे अलग अलग कलर्स बनाए जाए तो एक वक्त में 1,67,77,216 कलर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं। दोस्तों इतने सारे कलर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोसेस कराना और उनको किसी जगह पे स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत थी। पहले मदरबोर्ड के साथ आते थे यानी इनके कलर्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराने के लिए ये सीपीयू का इस्तेमाल करते थे और मेन मेमोरी में से कुछ पार्ट इन्हें कलर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दे दिया जाता था। दोस्तों इतने सारे कलर्स को प्रोसेस कराना फिर उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर कराना, तो इसकी वजह से कंप्यूटर स्लो होने लग गए थे। अब डेडिकेटेड वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर्स आते हैं जिनके ना सिर्फ अपना ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके जरिए वो स्क्रीन पर मौजूद 2 करोड़ से भी ज्यादा पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन करते हैं और ना सिर्फ अलग से GPU होता है बल्कि इनकी अपनी मेमोरी भी होती है जिसके अंदर ये 4 GB से भी ज्यादा के डाटा को स्टोर करा सकते हैं। दोस्तों ये तो था वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर।
आइए अब हम वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर की टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले है VGA। VGA मुखफ्फिफ है वीडियो ग्राफिक एरे का। दोस्तों वीडियो ग्राफिक एरे के अंदर दो मोड्स होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट मोड, जिसके अंदर स्क्रीन पर सिर्फ अल्फाजों को दिखाया जा सकता है, जो कि 720x400 पिक्सल की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और ग्राफिक मोड जो कि 640x480 या फिर 320x200 पिक्सल की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। दोस्तों 320 मतलब इनकी स्क्रीन पर मौजूद एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 320 पिक्सल मौजूद होंगे और एक वर्टिकल लाइन में 200 पिक्सल मौजूद होंगे, जिनके जरिए से उनकी रेजोल्यूशन निकाली जाएगी। दोस्तों इसके बाद है SVGA। SVGA मुखफ्फिफ है सुपर वीडियो ग्राफिक एरे का। पहले जो SVGA आते थे वो 800x600 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते थे और वो एक वक्त में 4 बिट के कलर्स को दिखा सकते थे, और अब जो डिस्प्ले अडेप्टर्स आ रहे हैं वो एक वक्त में 1024x768 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और एक वक्त में 8 बिट कलर्स को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। 8 बिट यानी 256 कलर्स को स्क्रीन पर एक वक्त में दिखा सकते हैं। दोस्तों इनको 15 इंच के मॉनिटर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है XGA, एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक एरे, जो कि 1024x768 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और ये एक वक्त में स्क्रीन पर 65,000 से भी ज्यादा कलर्स को स्क्रीन पर दिखाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों ये ज्यादातर 17 से 19 इंच के मॉनिटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है SXGA, जो कि मुखफ्फिफ है सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे का, जो कि एक वक्त में 1280x1024 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन को ना सिर्फ सपोर्ट करता है और इनको ज्यादातर 19 से 21 इंच के मॉनिटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है UXGA। UXGA मुखफ्फिफ है अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे का, जो कि एक पिक्सल के अंदर, जो कि एक वक्त में 1600x1200 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और ये ज्यादातर 21 इंच के मॉनिटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे को ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर्स, आर्टिस्ट और इंजीनियरिंग डिजाइनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये था वीडियो डिस्प्ले अडैप्टर्स और उनकी टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।